क्वेश्चन ऑफ 65 5.5। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5.5 शुरू किया था ना। यस सर। 5 में जो बाकी बचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ये भी हमें सॉल्व करना है और इसी इन तीनों क्वेश्चन को समझेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। देन आल्सो यू नीड टू सॉल्व। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। विद्या वर्मा रीड द क्वेश्चन नंबर 3। विद्या जल्दी से पढ़िए बेटा, अभी विद्या ने बुक लेके नहीं बैठा है। एड्रेस कॉस्ट 870। इफ यू गिव 1000 नोट टू द शॉपकीपर, हाउ मच मनी विल यू गेट बैक? ओके गुड। एड्रेस कॉस्ट 870 रुपीज। If you give 1000 note, 1000 rupee of note to the shopkeeper, then how much money will you get back? बेटा ऐसा तो आप लोग के साथ भी होता है ना। In our real life scenario, हम shopkeeper या किसी दुकान पे जाते हैं, then we purchase something. So let's say if you are having 1000 rupees, 1000 का पहले नोट आता था ना, अभी बंद हो गया है कि नहीं? 1000 रुपीज का नोट आते थे कि नहीं? मान लीजिए आप 870 रुपीज की का कोई सामान खरीदा है, 1000 रुपीज का नोट लिया। अच्छा वो शॉपकीपर की जगह पे अगर आप हूँ, आपसे कोई 870 रुपीज का सामान ले और आपको 1000 रुपीज ले, तो आपको पूरा 1000 रुपीज तो रख नहीं लेंगे, कुछ पैसे वापस करेंगे। क्यों वापस करेंगे या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर वापस करेंगे। ओके तो कितना पैसा वापस करेंगे? 870 रुपीज आपको लेना भी तो है, ऐसा तो नहीं कि कहीं ज्यादा दे रहे हैं, कहीं ज्यादा दे देंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे? लेट्स से कि अगर 1000 रुपीज के बजाय आप 10 रुपीज का मंदिर के लिए छोटा वैल्यू लेते हैं। यू आर ए शॉपकीपर, आपके पास पार्ले जी बिस्कुट खरीदते हैं सब लोग ना, विद्यार्थी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, के लिए खटर पटर की आवाज आपके यहाँ से आ रही है। मान लीजिए आपके यहाँ पे आपकी ये शॉप है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आया, मैं आपसे 5 रुपीज का सामान लिया, 5 रुपए का सामान खरीदा, 5 रुपए का बिस्कुट खरीद लिया और आपको मैंने 10 रुपीज दिया, आपको कितना दिया? 10 रुपीज। तो आप कितना पैसा वापस करेंगे? निकाल लीजिए। 5 रुपए। आप जितना पैसा दिया गया, ध्यान से सुनिए, जितना पैसा आपको मिला उसमें से जितना पैसा आपको रखना है उतना पैसा आप माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कम कर लीजिए, बाकी जो बचा हुआ तो वापस करना पड़ेगा ना। यस सर। यही यही प्रोसेस आपको करना है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ओके तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये शॉपकीपर है इसको 1000 रुपीज मिल रहा है, लेकिन इसने सामान दिया 870 रुपीज। अब आपको पता है 1000 इज अ बिगर वन, 1000 ज्यादा है कि 870 रुपीज क्या ज्यादा है? 1000 ज्यादा। 1000 नो सर, क्या 870 ज्यादा है? नो, दिस इज ऑनली 3 डिजिट वैल्यू, दिस इज अ 4 डिजिट, 4 डिजिट यानी ज्यादा। 1000 में आप इतना पैसा सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1000 में इतना पैसा कम कर लीजिए, जो कम बचा वो आपके पास रहेगा, इतना कम करने के बाद जो आएगा वो तो आपको वापस करना पड़ेगा ना। वही यही चीज पूछा गया है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एड्रेस कॉस्ट 870 रुपीज। एक ड्रेस की जो कॉस्ट है, एक ड्रेस की जो कीमत है वो कितना है? 870 रुपीज। If, यदि you give, आप देते हैं कि तो क्या देते हैं? 1000 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, 1000 रुपए का नोट देते हैं शॉपकीपर को। हाउ मच मनी, कितने सारे पैसे, कितने सारे मनी
विल यू गेट बैक, कितने सारे पैसे विल यू गेट बैक। गेट में क्या होता है? पाना, पाना, पाना। हाउ मच मनी, कितने सारे पैसे विल यू गेट बैक, आपको वापस कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे पाओगे वापस। तो आपने 1000 रुपया लिया तो कितना क्या पैसा भी वापस पाओगे? हाँ, क्योंकि आपने ज्यादा पैसा दिया है। कितना पैसा वापस पाओगे पूछा गया है, तो उसको आपने आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, अभी बताया ही। लेकिन आपको लिखना कैसे है वर्ड प्रॉब्लम को, लिखना कैसे है? सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है सारे इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, एनीबडी कैन टेल, कोई भी बताइए माइक ऑन करके। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? सर नंबर नंबर 870 रुपीज। पहली इन्फॉर्मेशन यह है कि ड्रेस की कीमत 870 रुपीज है। 870 क्या है, नंबर है या रुपया है, अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है ना, मात्रा है। कभी भी आपको किसी चीज की मात्रा बताया जाए कि कितना पैसा है, कितना सामान है, जैसे दूध, जैसे आपका मिल्क हुआ, वाटर हुआ, ये सब तो आप नंबर में तो गिन नहीं सकते। तो क्या है अमाउंट ऑफ, ये क्या है अमाउंट है, ये कौन सा अमाउंट है? अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ ड्रेस, एक ड्रेस का अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ या अमाउंट के बजाय आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस इज, कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस इज इक्वल टू कितना, 870 रुपीज। रुपीज का ये नंबर, रुपीज का यही सिंबल है, इसको भूलिएगा नहीं, ये राग के ऐसे बना दीजिए, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीज। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, दूसरी इन्फॉर्मेशन, दूसरा इन्फॉर्मेशन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, इफ यू गिव 1000 रुपीज टू द शॉपकीपर, अगर आप 1000 रुपए का नोट दें, 1000 रुपए का नोट दें, मीन्स दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, मैं जो हूँ वो 1000 रुपए का नोट शॉपकीपर को दे रहा हूँ, यही तो है ना। सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज दे आर गिविंग 1000 रुपीज टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को हम क्या कितना पैसा दे रहे हैं, 1000 रुपीज का नोट। तो अमाउंट ये 1000 क्या है, ये भी तो अमाउंट ही है ना। Yes, sir. आप लिखिए as given, as given, जैसा कि दिया गया है। If I give, इफ द अमाउंट, इफ आप तिला भाई ने विजय जो लिखा है बुक में तो भी सही हो जाएगा। इफ आई गिव 1000 रुपीज ऑफ नोट टू द शॉपकीपर, देन जो लिखा था इन्फॉर्मेशन, दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दिया गया, दोनों इन्फॉर्मेशन कंडीशन वट एवर वॉज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पूछा गया हाउ मच मनी विल यू गेट बैक, ऐसे में आपको कितना पैसा, हाउ मच मनी, कितने सारे पैसे विल यू गेट बैक आपको वापस मिलेंगे। देन वी विल गेट, अब इसका क्या करेंगे, अब हाउ मच मनी, हाउ मच मनी क्या है, नंबर ऑफ, हाउ मच मनी का आंसर कैसे आएगा? मैंने बोला था हाउ मच या हाउ मनी में आप टोटल नंबर लिख देते हैं, लेकिन नंबर तो आप निकालेंगे नहीं, पैसा निकालेंगे, तो टोटल नंबर होगा या टोटल अमाउंट होगा, टोटल मनी होगा, टोटल टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट या अमाउंट कुछ भी लिख दीजिए, आप अमाउंट ही डायरेक्टली लिखेंगे तो भी सही है, वैसे बेटर वही है, बट आप लोग को बताया गया है इसलिए मैं टोटल लिख दे रहा हूँ। टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट कौन सा अमाउंट, कौन सा अमाउंट, टोटल हाउ मच अमाउंट के बजाय मैंने लिख दिया टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कौन सा अमाउंट, अमाउंट के बाद क्या लिखा है, वही सारी चीजें लिखना है, क्या लिखा है, टोटल मच, हाउ मच मनी लिखा है तो अमाउंट के जगह मनी लिख दीजिए ना, ज्यादा आसान रहेगा, टोटल मनी, मनी अमाउंट एक ही चीज है ना, टोटल मनी क्या, विल यू गेट बैक, वी विल गेट बैक,
Yeah, I will get back. Sir, will. I will. Will back. Is equal to कितना होगा? जितना पैसा आपने दिया है, वो शॉपकीपर अपना पैसा घटा देगा उतना, बाकी जो बचेगा वही दे देगा. तो कितना रुपए का नोट आपने दिया? क्या होगा यहाँ पे? इक्वल के बाद क्या? 1000. Only 1000? Sir, 1000 minus 870. 1000 minus 870. अब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 130 रुपीज. 130 रुपीज. यानी ये 130 रुपीज जो आया वो क्या है? ये दिस इज द मनी. 130 रुपीज इज द टोटल मनी आई विल गेट बैक. शॉपकीपर से हमें वापस मिलेगा. तो इस तरीके से करना है, कर ले जाएंगे ना? यस सर. यस सर. अमाउंट ऑफ अ ड्रेस, अमाउंट ऑफ अ ड्रेस या कॉस्ट ऑफ अ ड्रेस इज इक्वल टू 870 रुपीज. पहले इन्फॉर्मेशन दिया गया था, दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कंडीशन दिया है. कंडीशन क्या है? एज गिवन. क्या दिया गया है क्वेश्चन में? इफ आई गिव 1000 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, अगर मैं शॉपकीपर को 1000 रुपीज का नोट देता हूँ, देन टोटल मनी आई विल गेट बैक. तो टोटल मनी आई विल गेट बैक, जो टोटल मनी है वो मुझे वापस मिलेगा क्या? 1000 से 870 काट करके कम करके जो बचेगा वही तो मुझे वापस मिलेगा. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आ गया होगा. कर ले जाएंगे आप लोग अपनी मर्जी से. yes. जाएंगे. yes, sir. Okay. Yes, sir. Move on the question number 4. प्रतीक शुक्ला क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िए बेटा. बुक ओपन नहीं किया है नहीं बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है. क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 यस यस सर यस सर केवल कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो. यस सर केवल कर रहे हैं. कौन पढ़ेगा? आराम से आप जरा पढ़िए. बुक लेके बैठे हैं? बुक लेके आप बैठे नहीं होंगे, कई दिनों से तो आपने क्लास ही नहीं दिया. चलिए सोनाक्षी पाल आप ही पढ़िए. ज्वाइन हो जा रही. इन आ आइसक्रीम शॉप देयर वर 2570 आइसक्रीम. इफ ओनली 1945 आइसक्रीम could be find the number of ice cream left. Okay, good. The question is, in an ice cream shop, in ice cream shop matlab, in a ice cream shop, in a village matlab ek gaon mein, in a city ek shahar mein, in a ice cream shop. Sir, ek ice cream. एक आइसक्रीम शॉप. अरे एक आइसक्रीम. एक आइसक्रीम शॉप में क्या होता है? देयर वर 2570 आइसक्रीम. देयर वर 2570 आइसक्रीम. 2570 आइसक्रीम थे या है? क्या लिखा है ये उस आइसक्रीम शॉप में? देयर वर 2570 आइसक्रीम. बेटा दिव्या वर्मा, दिव्या वर्मा आप यहाँ पे नेटवर्क, जिसके यहाँ पे नेटवर्क कम होगा उसके यहाँ आवाज फंस के जाएगी, वो शोर करना बंद करे. मेरी आवाज कितने बच्चे को प्रॉपरली जा रही है वो हैंडल करें एक बार. हाउ मेनी आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली? ऋषभ को आवाज प्रॉपर जा रही है, मोहित को जा रही है, सोनाक्षी को जा रही है. अगर मेरी आवाज मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होती तो किसी को नहीं सुनाई पड़ती. वैसे में आप लोग जब आप फोन यूज किया करें, क्लास यूज किया करें, तो उस फोन से और व्हाट्सएप या कुछ और कोई और डिवाइस ना चलाया करें या कोई और एप्लीकेशन ना चलाया करें. ऐसे में आपकी क्लास आवाज नहीं फंसेगी. चलिए ठीक है. कम ऑन द क्वेश्चन. इन आइसक्रीम शॉप देयर वर 2570 आइसक्रीम. देयर वर 2570. देयर वर ये डब्ल्यू ई आर ई ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लिखा है डब्ल्यू ई आर ई. देयर वर वाज या वर का मतलब क्या हुआ? बेच दिया? नहीं,
मतलब ये पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, क्या है, किसी को ध्यान है? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस, ये तीनों चीजें बताई गई हैं। प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं, पास्ट टेंस इसको बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। सर पास्ट टेंस, ये पास्ट है, बीत चुका है, ये बीते जाने की बात कर रहे हैं। तो क्या बोला जाए जा रहा है, देयर वर 2517, तो उसके पास थे या है, थे ना? थे। उसके बाद क्या होता है, इफ अगर ओनली 1935 आइसक्रीम कुड बी सोल्ड, अगर केवल, इफ अगर ओनली केवल 1945 आइसक्रीम, 1945 आइसक्रीम कुड बी सोल्ड, केवल 1945 आइसक्रीम ही सोल्ड हुए या सोल्ड होते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ आइसक्रीम लेफ्ट। क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ आइसक्रीम आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आइसक्रीम लेफ्ट, जो बचा हुआ है, कितने आइसक्रीम थे 2570 आइसक्रीम, कितने आइसक्रीम सोल्ड हुए 7945, जो सोल्ड हो गए, जितने थे जो सोल्ड हुए उसको आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, कम कर दीजिए, जो बाकी बचेंगे वो कौन से आइसक्रीम है, वही तो बचे हैं। यस सर, वही तो आइसक्रीम आपके लेफ्ट बचे हैं, तो वही आपको निकालना है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन है, कंडीशन है, सबसे पहले उन सारी चीजों को लिखेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन है या कंडीशन है, क्या दिया गया है, क्या सबसे पहले है, क्या लिखूं, गरिमा, प्रतीक, रवि, राशि, बताइए। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, ये कौन बताएगा, नाम फिर से लेना पड़ेगा, बिना नाम लिए कोई भी बता दो। अरे सर, सर एक आइसक्रीम शॉप में, सर एक आइसक्रीम शॉप में 2570 आइसक्रीम थे, 2570 आइसक्रीम थे, ये 2570 क्या है, 2570 लिख भी रहे हैं। देखिए कि यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, मैं उसको अभी बाहर कर दूंगा क्लास से, उसको तुरंत ही अभी बाहर कर दूंगा। नंबर ऑफ आइसक्रीम, सर आपकी आवाज धीरे धीरे आ रही है, मेरी आवाज धीमे जा रही है, मैं धीमे बोलूंगा तो धीमे आवाज आएगी, आप थोड़ा सा आपका वॉल्यूम तेज कर लीजिए, मैं फिलहाल नॉर्मली बोल रहा हूँ सभी को, जैसे हर दिन बोलता हूँ। नंबर ऑफ आइसक्रीम वर्ड एट आइसक्रीम शॉप एट बिगनिंग, नंबर ऑफ आइसक्रीम एट एट बिगनिंग, एट बिगनिंग में क्या होता है बेटा, बिगनिंग मतलब शुरुआत में, शुरू में, नंबर ऑफ आइसक्रीम शुरुआत में, शुरू में, शुरू में कितने कितने आइसक्रीम थे, 2570 शुरू में कितने आइसक्रीम थे, वो तो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, क्या सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया आपके इस क्वेश्चन में, सेकंड इन्फॉर्मेशन इफ सर ओनली 1945 आइसक्रीम बी सोल्ड, अगर केवल 1945 आइसक्रीम सोल्ड हो तो ये कंडीशन दिया है इस तरीके से, एज गिवन, एज गिवन नंबर ऑफ आइसक्रीम,
नंबर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ सोल्ड आइसक्रीम जो बेचा गया वो आइसक्रीम। एक नंबर ऑफ सोल्ड आइसक्रीम इज इक्वल टू हाउ मच? 1945। Then, फिर क्या पूछा गया है? Find the number of ice cream left. Then, number of ice cream left. क्या हो गया? Number of ice cream. क्या होगा? Number of ice cream left क्या होगा? इसमें में से जो आइसक्रीम सेल हुआ उसको कम कर देना, जो बाकी बचे वो बचे तो रहेंगे। इसका आंसर आ जाएगा ग्रीन सर आ जाएगा। यही तो रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर भी आप लोग कर ले जाएंगे ना? यस सर। मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर फाइव आप से ऋषभ तिवारी आप ही पढ़े एक बार। ऋषभ तिवारी क्वेश्चन नंबर फाइव। आकाश हैज 1723 टॉयज विथ हिम। सालू हैज 1987 टॉयज विथ हर। हु हैज मोर टॉयज एंड हाउ मेनी? ओके, आकाश हैज 1723 टॉयज। आकाश के पास कितने सारे टॉयज हैं? इज एम आर है तो 1700। देखो यहाँ पे आर लिखा है ना, आकाश है यानी इज एम आर या हैज है वो तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट टेंस है, यानी वो वर्तमान की बातें कर रहा है। तो यानी है था नहीं क्या? आकाश हैज 1723 टॉयज विथ हिम। आकाश के पास 1723 टॉयज है या थे? आकाश के पास 1723 टॉयज है। चालू है 1987 टॉयज विथ हर। चालू के पास 1987 टॉयज है। हु हैज मोर टॉयज? हु मीन्स क्या होता है? WHO हु मीन्स क्या होता है बेटा? सर कौन? कौन हैज मोर टॉयज? किसके पास ज्यादा टॉयज हैं? एंड हाउ मेनी और कितने सारे? आपको कौन मतलब सालू या आकाश, कौन यानी किसके पास ज्यादा टॉयज हैं और कितने सारे, दोनों बताना है। दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है? आकाश है नंबर ऑफ टॉयज। आकाश नंबर ऑफ टॉयज आकाश है। 1723 लिखा है तो इसमें नंबर है या है या नंबर ऑफ कोई सामान है? नंबर ऑफ टॉयज है तो नंबर ऑफ टॉयज है तो आप उसको लिखिए नंबर ऑफ टॉयज। ये कौन सा नंबर ऑफ टॉयज है? सालू जो सालू के पास है? नहीं, आकाश है। आकाश है बिल्कुल। 1723। उसके बाद कौन सा इंफॉर्मेशन है? उसके बाद नंबर ऑफ टॉयज सालू। नंबर ऑफ टॉयज सालू है। सालू है नंबर ऑफ टॉयज। सालू है। नंबर ऑफ सालू है 1987। सालू के पास इतना है, आकाश के पास इतना है, किसके पास ज्यादा टॉयज है? Who has more टॉयज, सालू या आकाश? किसके पास है? सालू। ज्यादा बड़ा है 1723 से 1900। सालू के पास क्या लिखेंगे? तो सालू हैज मोर नंबर ऑफ टॉयज, पहला आंसर। हाउ मेनी, कितने सारे? तो जिसके पास ज्यादा टॉयज हैं
उसमें से जितना कम वाले को कम कर दोगे तो जो बाकी बचा रहेगा वही तो रहेगा उसके पास ज्यादा है। कितना ज्यादा है मान लो आपके पास 10 चॉकलेट है, मेरे पास 1 चॉकलेट है, मेरे पास 1 चॉकलेट है, आपके पास 10 चॉकलेट है, तो किसके पास ज्यादा है? आप लोग के पास ज्यादा है, आप लोग के पास ज्यादा है, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है, 1 छोटा है, इसलिए ये तो देखिए बताए क्या ज्यादा है। मैं आपके पास ज्यादा है तो आप क्या करोगे, मेरा जो जितना चॉकलेट है उतनी चॉकलेट आप अपने पास से कम कर दोगे, तो 10 में से आप 1 कम करोगे तो बचेगा 2, तो आप कहोगे चॉकलेट मेरे पास ज्यादा है, 2 चॉकलेट आपसे मेरे पास ज्यादा है, हाउ मेनी चॉकलेट यू हैव मोर, 2 द सेम वे। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज सालू के पास ज्यादा है, बट कितने सारे, तो मोर नंबर ऑफ टॉयज में से नंबर ऑफ टॉयज आप माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कितने सारे टॉयज सालू के पास ज्यादा है, है कि नहीं? ठीक है, तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, आपने दोनों इन्फॉर्मेशन लिख दिया, तीसरा क्या दिया है, हु हैज मोर टॉयज एंड हाउ मेनी, हु हैज मोर टॉयज, आप हु हैज मोर टॉयज का आंसर क्या होगा, 10 या 100, 10 में से इस प्रकार 10 सालू हैज मोर टॉयज, पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया ना। अब तीसरा क्या है, अब इसके बाद दो क्वेश्चन से पूछा गया, हाउ मेनी, हाउ मेनी कितने सारे, कितने सारे क्या, कितने सारे टॉयज सालू के पास ज्यादा है, तो आप इसको लिखना पड़ेगा कितने सारे टॉयज, यानी नंबर ऑफ टॉयज आपको निकालना है, नंबर ऑफ टॉयज ये कौन सा नंबर ऑफ टॉयज, सालू हैज मोर, जो क्योंकि सालू के पास ज्यादा है, सालू हैज मोर क्या होगा, नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज की संख्या, सालू है मोर, जो सालू के पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1987 माइनस 1723, ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, निकाल लेंगे ऐसे कि नहीं? यस सर। तो इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको करना था, तो 3, 4, 5 तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और कैसे लिखना है ये आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, इसमें आपको साफ साफ दिखेगा, अगर आप कहीं भूलें तो आप रिकॉर्डिंग की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप अपने मर्जी से सारी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सब फोटो भेजिएगा, ओके? यस सर। अभी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे आई होप। The next one is the relation between the addition and subtraction. आपको पता है addition दो numbers का जब आप subtraction निकालते हैं या addition करते हैं तो जब add करते हैं तो आपको सम मिलता है या difference का, नहीं ये बताइए, याद है या भूल गए? अगर दो numbers को add करेंगे then you will find some or difference, क्या मिलेगा? सम। अगर आप 10 और 20 ऐड करें तो आपको 10 और 20 का ऐड किया 30 जो है वो सम आएगा, इसका डिफरेंस कितना है 10 और 20 का? 10। 10 और 20 का डिफरेंस 10 आएगा, क्योंकि ज्यादा में से कम वाले को आप माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको डिफरेंस आता है, 25 में से अगर 15 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10 जो आंसर आया, दिस इज द डिफरेंस, इधर बताया गया था ना। Yes, तो सम और डिफरेंस में आपका रिलेशन आज हम सीखेंगे, व्हाट इज द रिलेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रिलेशन क्या है। ओपन द पेज नंबर 47, 47 क्या है, 47 मत निकालिए, मैं आपको दो नंबर ऐसे ही बोर्ड भी समझा दे रहा हूँ, लेट्स से कि देयर इज टू नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 10 एंड द सेकंड नंबर इज 15, आपके पास दो नंबर है, पहला नंबर 10 है, दूसरा नंबर 15 है, आपसे मैं बोलूं इसको ऐड करिए तो आप क्या करेंगे, 10 प्लस 15 प्लस कर ऐड करने पे प्लस कर देना तो कितना आंसर आ जाएगा, 25। लेकिन आपको पता है 10 और 15 को ऐड करने पे 25 आया, लेकिन ये चेक किया जाए कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे में आप क्या करेंगे, 10 में 15 आपने ऐड किया तो 25 आ गया, यही तो हुआ, 10 में 15 ऐड किया तो 25 आ गया, लेकिन 25 में क्या 15 है,
जो 15 आपने 10 में ऐड किया था तभी तो आया था। मान लीजिए 10 आपके पास, इसमें 10 कॉइन है, 10 चॉकलेट है, एक दूसरा बैग मैंने रख दिया इसमें आपके पास 15 चॉकलेट है। इन दोनों चॉकलेट को आप इकट्ठा ले आए एक बड़े से बॉक्स में, एक में 10 चॉकलेट वाला बॉक्स रख दे, एक में 15 चॉकलेट वाला बॉक्स, दोनों एक ही बॉक्स में करते और ये पूरा बॉक्स उठा कर किसी को दे दूं तो उसको टोटल कितने चॉकलेट मिलेंगे? 10 चॉकलेट ये वाला, 15 ये वाला, 25 चॉकलेट मिलेंगे, यही तो होगा। यस सर, यस सर। ये इक्वल टू 25 है, ये कैसे पता चलेगा कि सही है गलत? जो 25 है, 25 में से 15 माइनस, 25 में से 10 को माइनस, 25 में से अगर 15 माइनस करते हैं, अगर 15 कम करेंगे तो कितना बचेगा? जो 15 हटा लेंगे तो 10 ही तो बचेगा। और अगर आपने 10 कम किया तो 25 में 10 कम करते हैं, ये वाला बॉक्स हटा देते हैं, निकाल लेते हैं, तो इस बॉक्स में पूरे बॉक्स में कितने चॉकलेट बचेंगे? 15 ही तो 15 आना चाहिए। तो यानी इस तरीके से आप सबट्रैक्शन और एडिशन का यूज, आप वेरिफिकेशन अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेटा अभी आप एक एक्सरसाइज ओपन करिए 5.6, इसके यहाँ से आवाज आ रही है 5.6 एक्सरसाइज ओपन करिए बेटा। यस सर। 5.6 के ऊपर आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या है 5106 को 5106 में से 2310 को माइनस किया गया, 5106 में से 210 कम किया गया तो कितना आंसर आया? 2796 में ये कब आया है? जब आप 2310 कम किए थे 5106 में, तो एक काम करिए जो आपने कम किया उसी को दोबारा प्लस कर दो, देखो आंसर आता है। जितना कम किया और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट था, एक में 25 चॉकलेट था, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, इसमें ये बड़ा सा बॉक्स है, इसमें से अगर आप 10 चॉकलेट निकालें, इस पूरे बॉक्स में से 10 चॉकलेट निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? ये मान 15 है, 10 15 है, तो पूरा बॉक्स में मिला के 25 था, लेकिन 10 और 15 मिला के 25 था, लेकिन अगर आप इसी में से 10 चॉकलेट निकाल लें, अब आपको पता है कि आपको मैंने बोला कि 15 में से 10 माइनस किया, 25 में से 10 आपने माइनस कर दिया, 25 चॉकलेट है, ये पूरा 25 में लिख दे रहा हूँ, 25 चॉकलेट है, 25 में 10 अगर आप कम कर देंगे, इसमें से 10 आप कम कर दे रहे हैं, 10 आप कम करेंगे तो कितना बचेगा? 15, कितना बचेगा फिर? 15, क्योंकि इसमें पूरा 25 चॉकलेट था, 10 चॉकलेट आपने 10 चॉकलेट निकाल के आपने अलग रख दिया, ठीक है? अगर ये अलग निकाल देंगे तो कितना बचेगा? लेकिन जो 15 बचा इसी में इसको दोबारा मैच कर दे, यानी जो कम करने के बाद इतना आया था ना, यही उठा करके अगर इसके साथ रख दे तो फिर 25 हो जाना चाहिए, इसका मतलब जो आपने कम किया था वो तो दोबारा ऐड कर दिया ना, तो वही देखना है जो आपका ये डिफरेंस आया है, ये आप ऊपर 15 आया था, ये 15 कब आया था? जब 10 कम किया गया था 25 में से, तो जो कम किया था वही 15 में ऐड कर दीजिए, ये यहाँ पे 10 प्लस कर दीजिए तो 25 आंसर आया, यानी इसके बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली योर आंसर इज करेक्ट, यही चीज आपसे बुक में किया गया है। तो 5.6 एक्सरसाइज में इसी तरीके से आपको डिफरेंस निकालना है, प्लस आपका अपना आंसर चेक करना है कि क्या आपका आंसर सही है, कर ले जाएंगे बेटा सभी लोग। क्यों 5.6 ओपन किया कि नहीं एक्सरसाइज सभी लोग? हाउ मेनी हैव ओपन द एक्सरसाइज 5.6 इन द बुक? ओके, तो 5.6 में अब आप पेपर एग्जाम्पल पे आइए जो आपके बुक में है, जो आपका 5.6 के ऊपर एग्जाम्पल दिया है, कितने में से कितना माइनस किया जा रहा है जरा बताइए ऋषभ। सिद्धांत जी आप बताइए। सॉरी 1493
ये नहीं एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.6 यहाँ पे लिखा है, उसके ऊपर देखिए कि एग्जांपल लिखा है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, दिव्यांशी वो बताइए पहला नंबर कितने में से कितना माइनस किया गया, फिर कितना डिफरेंस आया है, कितना सब्ट्रैक्ट करने पे कितना डिफरेंस आया, दिव्यांशी बताइए जरा। 5106 -2310 जितना आपने कम किया था वो जोड़ देंगे जो टोटल पहले था वो आ जाना चाहिए। देखिए चेक करने के लिए चेक लिखा गया, चेक में से देखिए जो आंसर आया था पहले डिफरेंस, सबसे पहले डिफरेंस लिखा गया 2796, फिर उसमें जितना आपको ने कम किया था जो सब्ट्रैक्ट किया था वही प्लस कर दिया गया डिफरेंस में 2310। तो क्या जो आपका पहले बुक पहले जो नंबर था जो आपका पहले सब्ट्रैक्ट था जो सब्ट्रैक्ट और डिफरेंस का जो सम है वो आपका मानेंड आ गया कि नहीं, जो आप जिसमें से आपने नंबर कम किया था 5106 आ गया है ना इस एग्जाम्पल में। इसी तरीके से आपको भी करना है एक्सरसाइज में भी, तो आप लोग उसको करने का प्रयास करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो मैं समझा दूंगा अगली क्लास में, करते तो ये आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ओके ना नहीं करेंगे होमवर्क, कोई यस नो नहीं बोल रहा है, कर पाएंगे कितने कितने बच्चे इसको कर लेंगे 5.6 हाउ मेनी कैन डू बेटा, अगर नहीं कर पाएंगे डोंट वरी आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी सारे क्वेश्चन आपके सामने यही बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, डोंट वरी फॉर दैट बेटा। तो फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपका जूम का सेशन खत्म हो चुका है, बंद होने वाला है, तो गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय।